प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यान में अपन ने प्रकाश संश्लेषण जो चैप्टर है उससे रिलेटेड काफ़ी बातों का अध्ययन कर लिया है। उसके आगे जो C3 साइकिल, अपन ने इससे पूर्व के व्याख्यान में C3 साइकिल केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ा, जो बायोसिंथेटिक फेज होती है उसकी डिटेल मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को पूरा अपन ने समझा। अब जो केल्विन साइकिल है, उस केल्विन साइकिल के कुछ अल्टरनेट पाथवे रिपोर्ट किए गए हैं। मुख्य जो प्रकाश संश्लेषण होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, वो केल्विन साइकिल के द्वारा ही होता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ अल्टरनेटिव साइकिल चलती है। ऐसी अल्टरनेट जो साइकिल है उसमें एक है C4 साइकिल और दूसरी है CM साइकिल। तो C4 साइकिल ये एक अल्टरनेट पाथवे है फोटो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, मुख्य पाथवे नहीं है, मुख्य पाथवे केल्विन साइकिल ही है, ये अल्टरनेट पाथवे है C4 साइकिल और दूसरा है CM साइकिल। तो आज का जो व्याख्यान है उसमें हम C4 साइकिल और CM साइकिल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो C4 साइकिल है जिसको हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल क्या है, 1965 में कोटसेक, हर्ट एंड बर, ये तीन साइंटिस्ट है, कोटसेक, हर्ट एंड बर, 1965 रिपोर्टेड दैट रैपिडली फोटोसिंथेसिस इन शुगर कैन लीव्स प्रोड्यूस ए फोर कार्बन कंपाउंड लाइक एस्पार्टिक एसिड एंड मेलिक एसिड एज ए रिजल्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ये जो तीन वैज्ञानिक है इन्होंने 1965 में जो गन्ना होता है उस गन्ने के अंदर यह रिपोर्ट किया कि जो प्रकाश संश्लेषण जब होता है गन्ने के अंदर उसमें जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और मेलिक एसिड, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये इन्होंने रिपोर्ट किया सबसे पहले। इस रिसर्च वर्क को, इस शोध कार्य को 1967 में ऑस्ट्रेलिया के दो वैज्ञानिक थे, MD हैच एंड CR स्लैक, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रमाणित किया। दिस वाज लेटर सपोर्टेड बाय MD हैच एंड CR स्लैक 1966 एंड दे रिपोर्टेड दैट C4C कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन का होता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। दिस इज लेड टू एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन विच इज नोन एज हैच स्लैक पाथवे और C4 साइकिल फॉर कार्बन कंपाउंड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। हैच एंड स्लैक नाम के वैज्ञानिकों ने इसको रिपोर्ट किया था, इसलिए इसका नाम हैच एंड स्लैक साइकिल भी है।
ऑल नोन सी फोर प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स एंड दीज आर कॉमन इन मॉइस्ट हॉट एरिड एंड नॉन सेलाइन और सेलाइन हैबिटेट। ये जो सी फोर प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है जो नमी वाले, गर्म, शुष्क और नॉन सेलाइन और सेलाइन, यानी जो लवणीय और अलवणीय हैबिटेट में पाए जाते हैं। दीज सी फोर प्लांट्स हैव करेक्टरिस्टिक लीफ एनाटोमी कॉल्ड क्रेंज एनाटोमी। इस प्रकार के जो सी थ्री साइकिल जिन प्लांट्स में पाई जाती है उन प्लांट्स को सी फोर प्लांट्स कहते हैं, सी फोर प्लांट्स कहते हैं। ये जो सी फोर प्लांट्स है इन सी फोर प्लांट्स के अंदर क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। ये जो क्रेंज एनाटोमी होती है ये इसकी स्पेसिफिक करेक्टर है सी फोर प्लांट्स का। डाउनटाउन नाम का जो वैज्ञानिक है उन्होंने 1975 में बताया कि लगभग 485 एंजियोस्पर्म की जो जातियां हैं उनमें सी फोर साइकिल को रिपोर्ट किया गया है। ये सभी 117 जेनरा को रिप्रेजेंट करती है। उसमें द्विबीजपत्री जो फैमिली है वो 11 है और एक बीजपत्री की 2 फैमिली है। जो सी फोर प्लांट्स हैं उनकी 4 मुख्य विशेषताएं होती है। पहला, इनमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। दूसरा, लो CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है, कम जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है उसमें ये फंक्शन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर निम्न CO2 सांद्रता प्रभावहीन रहती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उसको लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 वो प्रभावित नहीं कर पाती है। चौथा, फर्स्ट उत्पाद होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, डाई कार्बोलिक एसिड होता है। तो डाई कार्बोलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, C4 साइकिल भी कहते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल भी इसको कहा जाता है। अब जो C4 साइकिल है वो जिन फैमिलीज में पाई जाती है उनमें साइप्रेसी फैमिली में साइप्रस कंप्रेसस, साइप्रस ग्लोबोसा, पोएसी के अंदर एंड्रोपोगोन स्पीसीज, एरिस्टिडा, सेंक्रस सिलियरिस बरुट, साइनेडोन डेक्टाइलोन डूब घास, इकाइनो क्लोइया कोलेनम सामक, बाजरा पेनिसिटम अमेरिकाना, सेकेरम ऑफिशनेरम गन्ना, सोरगम वल्गर वल्गेयर ज्वार, जियामेज मक्का। इसी तरीके से जो डाइकोट्स प्लांट है उसमें गाइसिकिया फर्नेकोइडिस, मोलुगो सेरेवियाना, ट्राइएंथेमा पोर्चू, लेकेस्ट्रम सांटी जिसको कहते हैं। एमेरेंथेसी जो फैमिली है, एमेरेंथेसी फैमिली में एमेरेंथस ग्रेसिलस चंदेलिया चंदेला, एमेरेंथस स्पाइनोसा, चिनोफोडियसी जो फैमिली है उसमें साजी प्लांट्स है, दो साजी प्लांट्स होते हैं उसमें, सारासोला फोइटिडा सोएडा फ्रूटिकोसा और हेलोजाइलो सेलिकॉर्नियम, ये लवणोद्भिद प्लांट्स है। यूफोर्बियसी जो फैमिली है उसमें यूफोर्बिया हेरिटा और यूफोर्बिया थैलेमिफोलिया, ये जो प्लांट्स है जिनके अंदर सी फोर साइकिल पाई जाती है इनको सी फोर प्लांट्स कहते हैं। अब जो क्रेंज एनाटोमी में क्या होता है कि मेसोफिल सेल्स और बंडल सील्स सीथ सेल्स इन दोनों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले जो मेसोफिल सेल्स होती है उन मेसोफिल सेल्स के अंदर इनिशिएशन होता है रिएक्शन, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रारंभ होता है उसमें PEP फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड ये मेसोफिल सेल में पहले से मौजूद होता है। इस PEP के साथ में एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड
रिएक्ट करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल जाती है। यहाँ पे कैटलिस्ट की भूमिका में, उत्प्रेरक की भूमिका में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो कैटलाइज होता है मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। यहाँ पे को एंजाइम होता है NADPH2 जो NADP में बदल जाता है, और जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है इसका रिडक्शन होके ये मैलिक एसिड में बदल जाता है। ये मैलिक एसिड मीजोफिल सेल से बंडल सीथ सेल में स्थानांतरित हो जाता है। बंडल सीथ सेल में जो रिएक्शंस होती है उनमें, बंडल सीथ जो सेल्स है उनमें NADP जो होता है वो NADPH2 में बदल जाता है, यानी मैलिक एसिड है उसका वापस ऑक्सीडेशन होगा और वो NADP को NADPH2 में बदल देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिलीज कर देती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केल्विन साइकिल में काम आ जाती है, उसको राइबुलोज बिस फॉस्फेट ग्रहण कर लेता है और वो PGA में बदल जाता है। और मैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के बाद में, पाइरुविक एसिड में बदल जाता है। ये पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है जो मीजोफिल सेल में आ जाता है और ATP के साथ क्रिया करके फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाता है। पुनः ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, यानी जो C4 प्लांट्स हैं उन C4 प्लांट्स में फर्स्ट जो CO2 का फिक्सेशन प्रारंभ होता है वो मीजोफिल सेल में होता है। मीजोफिल सेल्स के अंदर CO2 एक्सेप्ट होती है, उसको फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है वो ग्रहण करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल जाता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड NADPH2 की सहायता से रिड्यूस होकर मैलिक एसिड में बदल जाता है। मैलिक एसिड बंडल सीथ सेल में स्थानांतरित हो जाता है और बंडल सीथ सेल में स्थानांतरित होकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है जो केल्विन साइकिल में काम आती है और ये पाइरुविक एसिड में बदल जाता है। पाइरुविक एसिड पुनः मीजोफिल सेल में आके और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाता है। जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो है CM साइकिल। दिस मेटाबॉलिज्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन ब्रायोफिलम स्पीसीज, पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं ब्रायोफिलम, ए मेंबर ऑफ फैमिली क्रेसुलेसी, हैंस इज कॉल्ड क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। दिस अकर्स मोस्टली इन सकुलेंट यानी जीरोफाइट प्लांट्स जैसे ओपनसिया, अगेव, ओपनसिया, अगेव, एलोय, सेडम, कालंचो, ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर, सकुलेंट प्लांट्स के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया। क्रेसुलेसी जो फैमिली है उनके सभी मेंबर्स के अंदर ये क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल पाई जाती है, इसलिए इस फैमिली के नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। ये जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं इनकी जो विशेषता होती है, इनमें ये जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट ओपनिंग होते हैं। नाइट ओपनिंग स्टोमेटा में रात के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी मैकेनिज्म को अपन आगे बढ़ेंगे। अब 10,000 से अधिक जो प्लांट्स हैं उनमें CM साइकिल पाई जाती है। कुछ अन्य फैमिलीज है जिनमें CM साइकिल रिपोर्ट की गई है, उसमें अगेवेसी है जिसमें अगेव अमेरिकाना, अगेव सेंटेला, यूका ग्लोरियसा। इसी तरीके से जो आक कुल है एस्क्लिपिडेसी, उसमें एस्क्लिपियाज वीडिस, ये मिल्क वीड है, इसमें CM साइकिल पाई जाती है। एस्ट्रेसी, कैक्टेसी, ये जो फैमिलीज है इनके अंदर भी CM मेटाबॉलिज्म को रिपोर्ट किया गया। क्रेसुलेसी के हर प्लांट्स में जैसे सेडम है, कालांचू है, ब्रायोफिलम है,
इन सभी प्लांट्स में, क्रेसुलेसी के सारे प्लांट्स के अंदर सीएम मेटाबॉलिज्म को रिपोर्ट किया गया है। जो सीएम प्लांट्स होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, ये सकुलेंट प्लांट्स होते हैं यानी जीरोफाइट्स होते हैं। इनमें CO2 एब्जॉर्प्शन रात के समय होता है क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट ओपनिंग होते हैं। रात के समय स्टोमेटा खुलते हैं, दिन में बंद हो जाते हैं क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन की रेट होती है वो उसमें बहुत कम होती है। इनकी खोज सर्वप्रथम एंजियोस्पर्म का जो कुल है क्रेसुलेसी इसके सदस्यों में की गई थी, इसलिए इसका नाम क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म है। इनमें जो ट्रांसपिरेशन की दर होती है वो बहुत ही कम होती है, लो होती है। सीएम प्लांट्स में नाइट ओपनिंग स्टोमेटा होते हैं, एटमोस्फेरिक में CO2 काफ़ी मात्रा में होती है, वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में ऑक्जेलोएसिड PEP के साथ में रिएक्ट करके ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में बदल जाती है। इन दीज प्लांट्स देयर इज नो क्रेंज एनाटोमी, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं सीएम प्लांट्स उसमें क्रेंज एनाटोमी नहीं होती, बट देयर अकर डार्क एसिडिफिकेशन। डार्क एसिडिफिकेशन होता है ड्यूरिंग द नाइट मेलिक एसिड फॉर्म। ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के पाइरुविक एसिड के साथ में रिएक्ट करके और वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में मेलिक एसिड में बदल जाती है। ये जो मेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं डार्क एसिडिफिकेशन। इन सीएम प्लांट्स ऑक्जेलोएसिटिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू द कार्बोक्सिलेशन एज इन C4 प्लांट्स। जैसे C4 प्लांट्स के अंदर होता है वैसे ही होता है। दस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड इज रिड्यूज्ड इनटू मेलिक एसिड। यानी जो नाइट ओपनिंग स्टोमेटा है उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, वो फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का रिडक्शन होता है NADPH2 की सहायता से, वो मेलेट में बदल जाता है। ये मेलेट वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, जो सेल होती है उसके वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। और डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होता है उस वक्त मेलेट क्या होता है पाइरुवेट में बदल जाता है, और NAD है वो NADPH2 में बदल जाती है, NADH2 में बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो जाती है और पाइरुवेट पुनः PEP में बदल जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट एंड द स्टोरेज एज ए ऑर्गेनिक एसिड इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन। ड्यूरिंग डे टाइम मेलिक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसका उपयोग केल्विन साइकिल में होता है। इस प्रकार से जो CM साइकिल है CM साइकिल में ये अल्टरनेटिव पाथवे है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डार्क नाइट रात के समय जो होने वाली क्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो PEP के साथ क्रिया करती है और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मेलिक एसिड के अंदर स्टोर के रूप में सेल वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, सेल वैक्यूल के अंदर स्टोर हो गया। डे टाइम के अंदर ये मेलिक एसिड है वो पाइरुवेट में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को, ये 3 कार्बन है ये पाइरुवेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ये केल्विन साइकिल में काम आ गई, ये केल्विन साइकिल के अंदर काम आ जाती है। ये अल्टरनेटिव पाथवे है CM मेटाबॉलिज्म। अब C3 और C4 प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। जो C3 प्लांट्स हैं, प्लांट्स विच हैव केल्विन साइकिल इन ऑल द ग्रीन सेल्स ऑफ द लीव्स, प्लांट्स विच हैव हैच एंड सिलेक साइकिल इन मेसोफिल सेल्स के अंदर केल्विन साइकिल होती है और बंडल सीथ जो सीथ है सेल्स उनमें C4 साइकिल होती है। देर इज ओनली ए वन CO2 एसेप्टर, केवल एक C3 प्लांट्स के अंदर एक CO2 एसेप्टर होता है जिसका नाम होता है राइबुलोज बिस फॉस्फेट, राइबुलोज 1,5-बिस फॉस्फेट, और इसके अंदर PEP होता है।
दो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर, पहला होता है पीईपी और दूसरा होता है आरयूडीपी। तीसरा अंतर है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो थ्री कार्बन कंपाउंड होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है C3 साइकिल के अंदर, और C4 साइकिल के अंदर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट C3 जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती, और C4 प्लांट्स के अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। तो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें राइबुलोज डाइफॉस्फेट एंड एंजाइम ऑफ द कैल्विन साइकिल आर रिप्रेजेंट विद इन ऑल द ग्रीन सेल्स, देर इज कैल्विन साइकिल अकर इन मेसोफिल, राइबुलोज बिस्फॉस्फेट एंड एंजाइम्स ऑफ द कैल्विन साइकिल आर प्रेजेंट इन द बंडल सील सेल्स, ये तो बंडल सील सेल के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंजेज, ये जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इनमें 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो C3 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बिकॉज द लेस एफिनिटी ऑफ द RUDP फॉर CO2, द केल्विन साइकिल कैन रिड्यूस द CO2 कंसंट्रेशन अराउंड द प्लांट्स टू 50 PPM, इसके अंदर 10 PPM तक होता है C4 प्लांट्स के अंदर। CM प्लांट्स आर लेस एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस, द नेट रेट ऑफ द प्रोसेस इज 15 to 35 mg ऑफ द CO2 पर लीफ पर एरिया। ये जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो लेस होती है इन कंपैरिजन टू C4 प्लांट्स। ऑक्सीजन हैज़ इनिबेटरी इफेक्ट इन फोटोसिंथेसिस, C3 प्लांट्स में ऑक्सीजन का इनिबेटरी इफेक्ट होता है और C4 प्लांट्स में ऑक्सीजन का इनिबेटरी इफेक्ट नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन अकर फर्दर रिड्यूस द फोटोसिंथेटिक यील्ड, फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन इज अब्सेंट, फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन इसमें अब्सेंट होता है C4 प्लांट्स में। आज हमने C4 प्लांट्स और CM प्लांट ये क्या होते हैं, ये जो अल्टरनेटिव पाथवे हैं फोटोसिंथेसिस के, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जो नेक्स्ट भाग है इसका, उसका अपन आगे के व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।